नमस्कार, storyofrecipe.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पिज्जा पफ। पिज्जा पफ सबको बहुत ही पसंद आते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। पिज्जा पफ बनाने के लिए हमने सामग्री ली है 2 कटोरी मैदा। इसी कटोरी से हमने 2 कटोरी मैदा लिया है, 1 कटोरी बारीक कटी हुई गाजर, 1 कटोरी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/2 कटोरी स्वीट कॉर्न, 1 टमाटर हमने बीज हटाकर बारीक काट लिया है, 1/2 कटोरी चीज, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 गिलास पानी, फ्रिज का एकदम ठंडा पानी है, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 छोटी चम्मच नमक, 1 बड़ी चम्मच टमाटो सॉस, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ 1 चम्मच अदरक। अब हम पिज्जा पफ बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगाकर तैयार करते हैं। अब हम आटा लगाने के लिए 1 बड़ा बाउल लेंगे। अब हम उसमें मैदा डाल लेंगे। मैदे में हम 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे, सारी चीजों को हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीजें मैदे में अच्छे से मिल गई हैं। अब हम इसे ठंडे पानी से सख्ता आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटे को हम कड़ा ही लगाएंगे, एक साथ पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें। हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथेंगे। हमने मैदे का सख्ता आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा आटा फूलकर तैयार होता है, तब तक हम पिज्जा पफ के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें कटे हुए अदरक डाल देंगे। और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। दोनों चीजों को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हमारे अदरक और मिर्च भून गए हैं। अब हम इसमें बारीक कटे हुए गाजर डाल देंगे, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल देंगे। स्वीट कॉर्न भी डाल देंगे। और टमाटर। अब हम सारी चीजों को 1 मिनट तक भून लेते हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक अपने स्वादानुसार भी डालें। हम सब्जी को ढककर 2 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो गई है और हमारी सब्जी भी पककर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर सॉस। सॉस को अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। गैस बंद कर देंगे और पैन को नीचे उतारेंगे। अब हम स्टफिंग को पूरी तरह से अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसमें चीज मिलाएंगे। अब स्टफिंग पूरी तरह से ठंडी हो गई है, अब हम इसमें चीज मिलाएंगे। अगर आपको चीज ज्यादा पसंद है खाना, तो आप और भी चीज डाल सकते हैं। अब हम चीज को अच्छे से मिला देंगे। चीज स्टफिंग में अच्छे से मिल गई है। अब पिज्जा पफ की स्टफिंग पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब हम इसे अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम पिज्जा मैकपफ बनाना शुरू करते हैं। अब हमारा आटा भी तैयार हो गया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लेके आटे को अच्छे से मसल लेंगे। अब हम आटे से इस तरह से बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे। अब हम 1 लोई लेंगे, बाकी की लोई उठाकर रख देंगे। अब हम बेलन में और जिसपे आप
बेलें पफ को, उसमें तेल लगा लेंगे। तेल लगाकर अच्छे से चिकना कर लेंगे ताकि चिपके ना। हम इस तरह से लोई को गोल कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से बेलेंगे। हम पफ बनाने के लिए सेब को ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे। हमने पिज्जा पफ सीड बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से किनारों को निकाल देंगे। अब हम इसे दो भागों में बांट लेंगे और इस तरफ से भी बराबर काट लेंगे। अब हम सभी किनारों पर पानी लगा देंगे। इस तरह से उंगली से पानी लगाने से मैक पर अच्छे से चिपक जाएगा। अब हम चम्मच से इसमें स्टफिंग डालेंगे। इस तरह से लंबाई में हमें किनारों पे जगह छोड़नी होगी चिपकाने के लिए। हम इसी तरह से दूसरे पे भी डाल लेंगे। अब हम दूसरे सेट को उठाकर इसके ऊपर से इस तरह से बंद कर देंगे स्टफिंग को। किनारों अच्छे से चिपका दें। दूसरे वालों को भी इसी तरह से बंद कर देंगे। अब हम इस फोर्क से अच्छे से किनारों को दबा देंगे। इससे अच्छे से चिपक भी जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। अब हम चाकू से जो घट्टे बड़े किनारे हैं इसको काट देंगे। ये देखिए हमने दो मैक पफ बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे अलग प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से सारे मैक पफ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसी तरह से सारे मैक पफ बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने मैक पफ बनाकर तैयार कर लिया है और ये कहीं से भी फटे नहीं है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़े टाइट हो जाएं। आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन फ्रिज में रखने से ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद इसे तलेंगे। हमने मैक पफ को आधे घंटे फ्रिज में रखकर बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने तेल गरम होने के लिए गैस पर रख दिया है। अब हम तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब हम तेल में थोड़ा सा आटा डालेंगे। आटा सिक रहा है, अब हमारा तेल गरम हो गया है। हमें मैक पफ तलने के लिए मीडियम तेल गरम होना चाहिए। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसमें मैक पफ डालेंगे। ये देखिए मैक पफ सिक कर ऊपर आ गया है। अब हम इसे पलट देते हैं। अब हम इसे पलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे मैक पफ अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसी तरह से मैक पफ फ्राई करके तैयार कर लेते। हमने मैक पफ तलकर तैयार कर लिया है और बहुत ही क्रिस्पी मैक पफ बनकर तैयार हुए हैं। और इस मैक पफ को आप एक बार जरूर बनाएं, बहुत ही अच्छा मैक पफ बनाएंगे आप। थोड़ा आटा गूंथते हुए ध्यान रखें आटा टाइट ही रहे और इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में जरूर रखें और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी तैयार होगा। अब हम इसे आपको एक तोड़कर भी दिखाते हैं। ये देखिए अंदर से भी बहुत अच्छा है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से स्टफिंग मुलायम, बहुत अच्छा मैक पफ बना है। आप इसे टमाटो सॉस या आपको जो भी सॉस पसंद है उसके साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।